वेलकम टू शर्मिस किचन। हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आइए, आज मेरी किचन में मैं क्या बनाने जा रही हूँ उसी की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं अपनी किचन में बना रही हूँ एक मलाई मसाला। तो उसके लिए ली हूँ मैं एक, उसको पहले से बॉईल कर ली हूँ। सरसों तेल ले ली हूँ, तेल को गरम कर ले रही हूँ। हो गया, मैं ली हूँ प्याज को कद्दूकस कर ली हूँ। एक चम्मच लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट ली हूँ। ये दोनों को मैं ये तेल में एक साथ छोड़ दूंगी मिला के। मैं इसको सॉटे कर ले रही हूँ अच्छी तरह। सॉटे कर ली हूँ, लहसुन और प्याज का कच्चापन चले गया है। अब मैं इसमें दे दूंगी हाफ चम्मच जीरा और धनिया पाउडर, हाफ चम्मच ब्लैक पेपर दे रही हूँ, एक चम्मच गरम मसाला दे रही हूँ। देखिए, इसको भी अच्छी तरह सॉटे कर ले रही हूँ, फ्राई कर ले रही हूँ। मैं इसको एक मिनट के लिए सॉटे कर ली हूँ। ये देखिए, एकदम मसाला सॉटे हो गया है। एक कटोरा दूध ली थी, ये दूध दे दूँगी। इसको भी इसमें सॉटे कर लूँगी, अच्छी तरह मिक्स कर ले रही हूँ, लगा ले रही हूँ। स्वाद अनुसार नमक दे रही हूँ। बैलेंस के लिए हाफ चम्मच चीनी दे रही हूँ, हाफ चम्मच धनिया और पुदीना पाउडर, ये होममेड है मेरा, ये मैं दे रही हूँ आधा चम्मच। चीज़ों को सॉटे कर ले रही हूँ, लगा के दो मिनट पका ले रही हूँ। मैं इसको दो मिनट पका ली हूँ। देखिए, तेल ऊपर आ गया, मेरा मसाला रेडी है। इसको सॉटे कर ले रही हूँ। आटा को मैं बीच से काट ले रही हूँ। ऐसे देने से मसाला पूरा एकदम अंदर तक रहेगा, और गोटा देने से क्या होगा, ऊपर में मसाला रहेगा। तो मैं ऐसे काट के दे रही हूँ ताकि मसाला पूरा अंदर तक जाए। मैं ऐसे करके दे के सारे अंडे को दे दे रही हूँ इसमें ग्रेवी में, लगा के एक मिनट के लिए पका ले रही हूँ। अब मैं ऊपर से थोड़ा फ्रेश क्रीम लेके दे दे रही हूँ दो चम्मच। लीड लगा के फिर से एक मिनट पका ले रही हूँ। एक मिनट पका ली हूँ, मेरा ये मलाई मसाला तैयार है। मैं प्लेटिंग कर ले रही हूँ। एक मलाई मसाला तैयार है, मेरी रेसिपी तैयार है। आप एक बार इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।